अप्सरा द्वारा प्रतिवर्ष अपने विद्यार्थियों के लिए विकास के उद्देश्य से वार्षिक सांस्कृतिक साहित्यिक एवं खेलकूद पखवाड़े का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस आयोजन में अप्सरा के संबद्ध 47 विद्यालयों के 900 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। आज अप्सरा फिएस्टा 2022 का भव्य आगाज ऑल सेंट स्कूल में संपन्न हुआ है और लगभग 547 स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब रात भर बारिश हुई हो और आज भी बड़ा चैलेंजिंग था बच्चों का आना, तो बच्चों का जज्बा दिखता है कि अप्सरा जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को देता है उसके प्रति बच्चे कितने समर्पित हैं, कितने जागृत हैं और कितने आतुर हैं प्रतियोगिता में अपना परचम लहराने के लिए, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए। मैं अप्सरा के सभी पदाधिकारियों को और ऑल सेंट स्कूल की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम और बड़े जज्बे के साथ इसका आयोजन किया है। सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाइयाँ और सभी आयोजकों को शुभकामनाएं। आज 2 साल बाद अप्सरा फिएस्टा, जिसका कि बच्चों को नहीं बल्कि आगरा शहर के निवासियों को इंतज़ार रहता है, आज वो शुरू हुआ। शुरुआत में ऑल सेंट्स स्कूल के अंदर पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन से शुरू हुआ। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि बरसात इतनी होने के बावजूद भी 29 स्कूलों से करीब 600 बच्चे जो है वो आज आए हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर नमित्या त्यागी जो एसोसिएट प्रोफेसर है DIA के, वो आज की मुख्य अतिथि थी और करीब 25 स्कूलों से मैनेजर्स और प्रिंसिपल्स आए थे। अप्सरा फिएस्टा, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ की कोई एसोसिएशन 30 एक्टिविटी 34 स्कूलों में और 66 कैटेगरी में करती है और इसका हर रोज 6 स्कूलों या 5 स्कूलों या 4 स्कूलों में होता है। और हमारे सारे स्कूल्स जो कि 48 हमारे अप्सरा के सदस्य हैं, उनके बच्चे वहाँ जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। शुरुआत हो रही है इंटर स्कूल टूर्नामेंट की, तो आज यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग की शुरुआत हो रही है। और आपको एक बहुत बढ़िया बात ये बता दूँ कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ इस तरह का प्रोग्राम होता हो, जहाँ इतने स्कूल हमारे 47 स्कूल हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ही ढंग से ऑर्गेनाइज होता है और उसी कड़ी में आ गया ये प्रोग्राम हुआ।